कौमी एकता गणेश उत्सव समिति बना कैमोर नगर में आकर्षण का केंद्र। जहां क्षेत्र के बहुचर्चित सामाजिक संस्था तपस्या कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष नावेद की अलौकिक पहल से प्रेरित होकर बोले नगर परिषद की वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद शफीक खान उर्फ पप्पू टेलर ने कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में कब्रिस्तान अगल बगल है और जब वहां के मुर्दे एक साथ होकर रह सकते हैं तो वहीं हम इंसान क्यों नहीं। तो वहीं गणेश उत्सव के दौरान आगंतुकों ने मिलकर ग्राम हरदुआ निवासी अमर शहीद प्रदीप पटेल को भी श्रद्धांजलि दी। औद्योगिक नगरी कैमोर में इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव खास तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें कसदन वैश्य समाज के लोगों ने भी श्री कश्यप जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकाली। कौमी एकता का गणेश पंडाल ACC पेट्रोल पंप के पीछे महाकाली महालक्ष्मी मंदिर के समीप लगाया गया है। शाम की आरती के दौरान अमर शहीद प्रदीप पटेल की स्मृति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। PBC न्यूज के स्थानीय संवाददाता गुलशन चक्रवर्ती से बातचीत करते हुए कसदन वैश्य समाज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता के साथ कौमी एकता श्री गणेश समिति के जिम्मेदार क्या कहते नजर आए, आइए आपको सुनाते हैं पारंपरिक पर्वों की कहानी जिम्मेदारों की जुबानी। समिति में मनीष नावेद, उस्मान मोनी खान, राजीव चटर्जी, केनाज वाड़िया पार्षद शरीफ खान, गुरदीप कपूर, आरिफ खान, अरुण गुप्ता, समीम, अमन श्रीवास्तव, मोहित रजाक, सुमित आर्य सहित सभी वर्ग समुदाय के लोग भारी संख्या में नजर आए। PBC के लिए कैमोर से गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। कसौंदन वैद्य समाज कैमोर का कश्यप जयंती मनाई गई है जी, जो कि हर साल मनाई जाती है और सुबह से भगवान कश्यप की आरती पूजा धर्मशाला गुप्ता समाज के धर्मशाला में हुई। इसके बाद हम लोग सभी जन बच्चों से सुजाति बंधु इकट्ठा होकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके बाद इनाम का प्रोग्राम, स्वागत समारोह सभी ये करने के बाद जी एक जुलूस का प्रोग्राम रखा जी, जो कि जुलूस हमारा खलवारा बाजार मैन दिल के होते हुए जी और अपने पेट्रोल पंप तक पहुंचा, जहां पर यहां पर आने के बाद हमारे कौमी एकता गणेश उत्सव समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया गया जी, जिसका कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी एकता जो समझ में आई, मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी और इस एकता में जोर देना चाहिए, धन्यवाद। कौमी एकता गणेश उत्सव समिति आज कैमोर में मैंने बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो किस तरीके की थीम ऐसी बाहर निकल करके आई है भैया? इसमें थीम की तो कोई बात ही नहीं जी। तो पहले तो आप नाम सुनिए, हाँ जी, कौमी एकता जी, थीम उसी में छुपी हुई है जी। हम सारे लोग, सारे धर्म के लोग एक साथ संगठित होकर जी हर धर्म के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम हर धर्म को साथ लेकर काम करना चाहते हैं जी। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो जी, चर्च हो, मस्जिद हो, हम इनमें काम करेंगे। मुक्ति धाम हो, इनमें काम करेंगे। हमारे कब्रिस्तान हो, कहीं भी, हर जगह हम लोग काम करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक बैनर के तले आए हैं और हमारे शहर में शांति रहे, अमन रहे, सब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, जैसे हमने बचपन में देखा करते थे हरीफ भाई कि भजन, हम लोग बचपन में गणेश जी भजन लोग लेके अपना चलते थे, हम लोग ताजियाँ निकलती थी तो वो टीन बजाने लगते थे और वो चद्दर के नीचे से निकलते थे जी। तो वही सब हम लोग फिर वैसे ही अपने कैमोर को चाहते हैं और सारा देश ऐसे ही रहे मिलजुल के। इससे बड़ा ये कोई, आप लोगों को गणेश उत्सव में गणेश जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान दिया गया है, कैसा एक जो है इस ओर आकर्षित हुए, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हम लोगों का ये जो एक पहल है कौमी एकता का जी, और हमारे मनीष भाई ने हम सब सारे लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक गणेश प्रतिमा हम लोग बैठा लें जी, और सारे लोगों ने इसमें ऐसे हिस्सा लिया जैसे हम लोगों का ये बहुत पुराना प्लान हो जी, लेकिन ये आज हम लोग ये प्रथम वर्ष है और हमको लग ही नहीं रहा कि हम प्रथम वर्ष में गणेश जी महाराज की स्थापना कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि हमारा सदियों से चलता हुआ कार्यक्रम है जी, और उसी कार्यक्रम को निरंतर हम लोग चलाते चले आ रहे हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने से जुड़ रहे हैं। आज हमारे गुप्ता समाज का इतना बड़ा त्यौहार था और वो लोग हमारे इस टेंट में और हमारे गणेश जी के इस मंच में आए और उन लोगों का हम लोगों ने स्वागत किया, हमको बहुत खुशी। और सारे लोग मिलजुल के उनके त्यौहार को भी और हमारे इस मंच को भी
और सभी ने सराहा है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी जी, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आरिफ खान है। जी जी भाईजान, कैसा महसूस करें इस पर्व में अपनी एक रुचि दिखाते हुए, सहभागिता दिखाते हुए? ये हमारे महनीश भाई की पहल थी जी, और ये पहल तो अभी ही बनी नई नई, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पहल हमारे यहाँ बरसों से चली आ रही है। जी जी, और इससे पूरा हमारा कैमूर खुश है और हमको सपोर्ट कर रहा है, और हम चाहते हैं हर त्यौहार हम इसी तरह मिलजुल कर धूमधाम से मनाएं। जी जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कैमूर का इतिहास है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीनों के कब्रस्तान बगल में है, जब वो मुर्दे एक साथ रहते तो हम बहुत शानदार। जी जी, शुभ नाम बताइए। शरीफ खान, वार्ड खान, 12 पार्क जी, नगर परिषद। जैसा कि हमारा नाम इस संस्था का है, कौमी एकता गणेश उत्सव समिति, ये हमारे मन में इसीलिए आया क्योंकि हमने ऐसा जीवन जिए है, हम सभी दोस्तों ने, हमने कभी धर्म को उस नज़र से कभी सोचा ही नहीं। हम एक इंसान के जैसे जीवन जिए हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी एक अच्छा इंसान बन के जीवन जिए। धर्म तो बाद में आता है, पहले इंसानियत आता है। शुभ नाम बताइए। कैनाज वाडिया। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।